students, hari om, good morning. So we are continuing our chapter number 9, introduction to database management system. Today we are going to learn about the data type. Decide what kind of data we want to enter into the attribute. Depending on it, we need to decide data type of each field while designing the table. It is compulsory to define the data type of each field. Data type आपको पता है, जितने भी field हमें लेने हैं, तो सभी field के data type हमें decide करने पड़ेंगे. Now definition that data type is a way to define storage structure of the field. Computers have different ways to storing the data. In general, the data rate, memory of speed for accuracy. Computation that require more accuracy tend to be slower and use more memory. When building table with the base, we would be present with a drop down menu of options, asking us to choose the kind of attributes we want to store. The choice we make here will affect the performance of the database. Now data types available in the base, kya data types base mein available hai wo dekhte hai. Data types available in base can be divided into three categories. Namely, first one is the alphanumeric type, second is calendar type, and third is binary type. Alphanumeric type means we normally mostly सबसे ज्यादा ये use होता है कि alphabets and numbers. Data type means आप किस type का data enter करने वाले हो आपके computer के अंदर. Database हमने बना दिया, we know about the database, that is organized manners में हम data को store करके रखना, that is our database. अब database के अंदर हमें फिर क्रिएट करना हमने सीखा बेस सॉफ्टवेयर के अंदर, जितने भी फील्ड लेते थे तो उस फील्ड का एक डेटा टाइप हमें डिसाइड करना होता था. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम है तो उसके भाई नेम है तो उसके लिए हमने वेरकर टेक्स्ट वेरकर यूज किया था कि टेक्सचुअल डेटा आने वाला है उसके अंदर. वहीं पे फोन नंबर है तो फोन नंबर के लिए न्यूमेरिक डेटा टाइप नंबर लिया था. तो इस तरह से डिफरेंट डेटा टाइप्स हमें यूज करने, तो तीन मेन है अल्फा न्यूमेरिक टाइप, देन अगर कैलेंडर लेवल का तो कैलेंडर टाइप जैसे डेट टाइम ये सब है, एंड बाइनरी टाइप आएगा. तो सभी के बारे में वन बाय वन हम सीखने वाले हैं, डिसाइड कैसे करना है ये देखेंगे. सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द अल्फा न्यूमेरिक टाइप. व्हेन वी विश टू एंटर डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ लेटर नंबर एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर, देन वी कैन सिलेक्ट वन ऑफ द डेटा टाइप शोन इन द टेबल 9.5. फॉर एग्जाम्पल एड्रेस में कंटेन अल्फाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर एज वेल एज नंबर. थस द एप्रोप्रिएट डेटा टाइप असाइन टू एड्रेस वुड बी वन ऑफ द अल्फा न्यूमेरिक टाइप. कुछ भी आप जैसे लेटर्स आपको टाइप करवाना है, नंबर्स है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, तो सब कुछ अगर आपको चाहिए तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप आपको लेना पड़ेगा. जो टेबल दिया है, टेबल नेक्स्ट लिखने वाले उसमें आपको पता चलेगा. वी कैन सिलेक्ट टेक्स्ट एज वेरकर मीन्स वेरियस कैरेक्टर एज डेटा टाइप फॉर एड्रेस फील्ड. द नेम नंबर ऑफ बाइट्स टू बी अलोकेटेड टू वेरकर डेटा टाइप डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंटर्ड बाई द यूजर. फॉर एग्जाम्पल इफ एड्रेस ऑफ फर्सिट कंटेन्स 100 कैरेक्टर्स, 100 बाइट्स वुड बी रिजर्व. इफ इट कंटेन्स 50 कैरेक्टर्स, ओनली 50 बाइट्स वुड बी रिजर्व. यानी कि वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर कितने बाइट्स यूज होने वाला, कितने कैरेक्टर्स एड कर रहे उतने उसकी बाइट्स यूज होगी. वो टेबल जो है ना, टेबल के अंदर सब डिटेल्स में दिए, तो पहले टेबल देखते हैं तो आपको पता चलेगा वो किस तरह से है उसके अंदर. तो देखिए टेबल पे, इसमें सबसे पहले जो डेटा टाइप है उसका नाम है, फिर उसका डेटा टाइप क्या यूज करते हम फील्ड के अंदर, बेस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा यूज करते हैं वो, उसके मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, और डिस्क्रिप्शन देखेंगे. सबसे पहले है मेमो, लॉन्ग वेरकर के तौर पे, यानी कि लॉन्ग वेरियस कैरेक्टर बहुत ज्यादा यूज करने हैं आपको कैरेक्टर्स तो वहां पे यूज होता है. मैक्सिमम लेंथ उसकी 2GB की है, 2GB तक का डेटा आप उसके अंदर एंटर कर सकते हो. स्टोर सब अप टू द मैक्सिमम लेंथ ऑफ नंबर इंडिकेटेड बाय द यूजर. इट एक्सेप्ट एनी UTF-8 कैरेक्टर्स. सेकंड इज टेक्स्ट, फिक्स कैरेक्टर है उसमें 2GB है. स्टोर्स एग्जैक्टली द लेंथ स्पेसिफाइड बाय द यूजर्स. पैच विथ ट्रेलिंग स्पेस फॉर शॉर्टर स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट एनी UTF-8 कैरेक्टर्स. यूनिफाइड कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके बारे में है ये. देन टेक्स्ट इसको वेयर कर, नॉर्मली सबसे ज्यादा ये यूज होता है हमारा, उसकी भी साइज 2GB की है मैक्सिमम लेंथ. स्टोर्स अप टू द स्पेसिफाइड लेंथ, नो पैडिंग, सेम एज लॉन्ग वेयर कर के जैसा ही इसके अंदर. देन टेक्स्ट वेयर कर इग्नोर केस 2GB, स्टोर्स अप टू स्पेसिफाइड लेंथ. कंपेरिजन आर नॉट केस सेंसिटिव, इट स्टोर्स कैपिटल एज यू टाइप देम.
अब इग्नोर केस किया है वो समझिए, हमने डेटा एंटर कर लिया, हमने डेटाबेस के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि क्या यूज है डेटाबेस का, तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज देखा था कि व्हेनेवर आई वांट, मुझे जब भी वो चाहिए आई रिट्राइव द डेटा, मैं अपना डेटा वापस ले सकूं और जिस फॉर्मेट में चाहे उसमें ले सकूं। अब उसके लिए आपको जो डेटा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 11 के स्टूडेंट्स का लिस्ट है, अब उसमें से मुझे कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जयेश पटेल चाहिए, तब जयेश का नाम मुझे सर्च करके, क्योंकि बहुत सारा लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल 5 क्लास है 11 के, तो उसमें से जयेश कहाँ पे है, कौन सा है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो मैं सर्च करूंगा पहले, मेरे डेटाबेस के अंदर सर्च ऑप्शन होगा, उसमें सर्च करूंगा तब मुझे वो मिलेगा कि भाई जयेश, तो उसका लिस्ट मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि वेरियस टाइप का अगर केस सेंसिटिविटी है उसके अंदर, तो एक प्रॉब्लम होगा कि मैंने लिखा जयेश जो वर्ड है सर्च के अंदर, वो उसमें जे कैपिटल लिख रहा हूँ, बाकी सब स्मॉल है, डेटाबेस के अंदर वो स्मॉल लेटर में लिखा है, यानी आपको केस सेंसिटिविटी मैंने पहले भी समझा रही थी, केस सेंसिटिविटी फिर से समझा रहा हूँ। केस सेंसिटिविटी मीन्स व्हाट? केस सेंसिटिविटी मीन्स देयर आर टू केस, अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस मीन्स योर कैपिटल लेटर्स एंड लोअर केस मीन्स योर स्मॉल लेटर्स, मीन्स अपर केस इज डिफरेंट एंड लोअर केस, यानी कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स बोथ आर डिफरेंट फॉर द डेटाबेस। अब दोनों अगर अलग है तो वो ढूंढ के नहीं देगा, अगर आप जो सर्च करवा रहे हो वैसा सेम टू सेम अगर उसको मैच नहीं मिलेगा तो वो आपको उसमें सर्च की लिस्ट में नहीं मिलेगा। ऐसा न होना इसलिए इग्नोर केस, इग्नोर केस क्या करेगा, केस सेंसिटिविटी को हटा देगा, यानी वो अपर केस में हो या लोअर केस में, यानी कि कैपिटल लेटर में हो या स्मॉल लेटर में हो, वो आपको फर्स्ट सर्च करके देगा, ढूंढ के देगा, यानी कंपेयर करके दे देगा इसको। सो 4 डेटा टाइप्स हमने टेक्स्ट के बारे में देखे, जिसमें मेमो है, टेक्स्ट फिक्स है, टेक्स्ट है, इसमें कैरेक्टर, वेरियस कैरेक्टर एंड वेरियस कैरेक्टर इग्नोर केस, तो इतने है इसके अंदर। थियरी देखते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप हैज डिफरेंट नेचर, इट इज यूज व्हेन वी आर अवेयर ऑफ एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी एंटर्ड इन द फील्ड, फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज इट इन केस ऑफ लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर एंड दे हैव फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। The character data type 4 has limitation of font number characters can be used. When we want to store some descriptive data which may have more than 255 characters, then the memo data type will be useful. Normally text की बात करें, हम वैक्यूम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिटेशन आ जाएगी कि उसमें आप 255 कैरेक्टर ही यूज कर सकते हो, 255 कैरेक्टर से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपको 255 डिस्क्रिप्टिव डेटा देना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऐसा बोला जाए तो आपको एक फील्ड ऐसा रखना उसमें फीडबैक का, और फीडबैक लिखना है तो बहुत ज्यादा कुछ पर्सन है तो बहुत ज्यादा टैक्स उसमें, बहुत ज्यादा फीडबैक देंगे, अच्छे अच्छे फीडबैक देंगे या फिर बुरे फीडबैक देंगे, वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो वो जो फीडबैक में अगर बहुत कुछ लिखेगा तो मोर देन 255 कैरेक्टर्स आने के चांसेस है, तो वहां पे आपको मेमो डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। दिस डेटा टाइप अलाउ अस टू स्टोर एनी टेक्स्ट डेटा अप टू 64,000 कैरेक्टर्स, 64,000 कैरेक्टर्स तक आप उसके अंदर वो कैरेक्टर्स आने वाला एंटर कर सकता है। टेक्स्ट वर्कर इग्नोर केसेस एफिशिएंट व्हेन द फील्ड्स आर यूजिंग सर्चिंग एंड इट इज यूजर नेम अनश्योर दैट वेदर यूजर विल एंटर सर्चिंग टेस्टिंग लोअर केस और अपर केस, जैसे अभी मैंने आपको समझाया। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैन बी स्टोर इन टेक्स्ट वर्कर इग्नोर केस, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नॉर्मल, जैसे अभी मैंने बताया सर्च करवाना है तो सर्च करवाने के टाइम पे प्रॉब्लम होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप जो एंटर किया उसमें कैपिटल है, जब सर्च करा उसमें स्मॉल है तो ढूंढ के नहीं देगा। ऐसा न हो इसलिए देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा फील्ड है उसके अंदर हमें नॉर्मल इग्नोर केस यूज करना पड़ेगा। नॉट दैट कंप्यूटर्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल देयर इज द ASCII कोड द नीड्स टू ओनली टू बी बायस टू स्टोर कैरेक्टर। नाउ व्हाट इज ASCII? इट्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज दैट नीड्स ओनली द 1 byte टू स्टोर कैरेक्टर। नाउ व्हाट इज ASCII? आप स्टैंडर्ड 10th में पढ़ के आए हो कि व्हाट इज ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज के बारे में, कि जो पहले जो थे जो कोडिंग थे जैसे नंबर्स थे तो नंबर्स के बाइनरी डिजिट तो बन गए, बट नंबर्स के बाइनरी डिजिट तो बन गए हमारे, बट उसके बाद क्या है, टेक्स्ट का क्या है? अगर 5 नंबर है तो 5 का मैं बाइनरी फाइंड कर सकता हूँ, वो बाइनरी उसमें ऐड हो जाएगा और कंप्यूटर में, लेकिन कैपिटल ए यूज करना है या स्मॉल ए यूज करना है तो क्या करूंगा, उसको तो मैं उसमें LCM सिस्टम यूज करके मैं बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे ये जो है ASCII जो है, इट मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, दे हैव मेड अ टेबल, उन्होंने एक टेबल बनाया जिसके अंदर आपके कीबोर्ड के ऊपर जितने भी कैरेक्टर्स है
चाहे नंबर्स हो, फिर चाहे टेक्स्ट हो, फिर इसमें कैपिटल हो, स्मॉल हो, स्पेशल कैरेक्टर्स जितने भी है, ऐसे कॉमा है, फिर कुछ भी ऐसे है जैसे सेमी कॉलन है या डॉलर साइन है, ऐसे जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स है या सिग्नेचर, एनीथिंग, सभी के लिए उन्होंने एक नंबर दिए, और उस नंबर का जो बाइनरी डिजिट बनेगा वो यूज होगा कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के अंदर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर यूज होगा। तो ये डिजाइन आस्की ने वो टेबल डिजाइन किया था। अनफॉर्चुनेटली दिस लिमिट द नंबर ऑफ पॉसिबल कैरेक्टर्स दैट यू कैन यूज ओनली 256, ऑल्दो इनफ फॉर मैनी एप्लीकेशन, इट फॉल्स शॉर्ट इफ यू वॉन्ट टू हैव एक्सेस टू एक्सपांड कैरेक्टर सेट लाइक गुजराती और हिंदी कैरेक्टर्स, स्टैंडर्ड दैट अलाउ फॉर लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैव बीन डेवलप्ड लाइक यूनिकोड दैट यूज मोर बाइट्स पर कैरेक्टर। आस्की कोड की बात करें तो उसमें लिमिटेड थी 256 कैरेक्टर्स की, लिमिटेड थी 256 तक उसमें था। अब वो तो इंग्लिश तक था, तो इंग्लिश तक वो कॉमन था, तो वो उसमें चल जाता है। बट जो दूसरी लैंग्वेजेस थी, दूसरे कैरेक्टर्स है, जैसे गुजराती में आपको लिखना है, हिंदी में लिखना है, तो वहां पे ये प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि वो तो अमेरिकन है तो इंग्लिश ही यूज होती थी। आपको दूसरी जो लैंग्वेज है उसमें 2200 है, ये सब भी कैपेसिटी भी बहुत बढ़ जाती थी। तो उसके लिए फिर यूनिकोड डिजाइन किया गया, यूनिकोड मीन्स यूनिवर्सल कोड, तो यूनिकोड उसके लिए डिजाइन किए गए थे। बेस विल स्टोर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर यूजिंग UTF-8 विच अ कोड दैट इज कंपैटिबल विथ बोथ आस्की एंड यूनिकोड, दोनों यूज हो गए, उसमें आस्की भी यूज होगा एंड यूनिकोड भी यूज होगा। यूनिकोड यूज होगा इट मीन्स व्हाट, आप दूसरी लैंग्वेजेस उसमें यूज करना चाहो, दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर डेटा स्टोर करना चाहो तो भी आप स्टोर कर सकते हो, बाइट्स का प्रॉब्लम नहीं रहेगा उसके अंदर। बेस विल यूज वन और मोर बाइट्स फॉर ईच कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू इंटरनल कैलकुलेशन। वेन बेस आस्क यू दैट द लेंथ फॉर अ पर्टिकुलर फील्ड, फॉर एग्जाम्पल सरनेम ऑफ एम्प्लॉय, इट इज आस्किंग द नंबर ऑफ बाइट्स यू वॉन्ट टू एलोकेट बट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू वॉन्ट टू स्टोर। हाउ मेनी बाइट्स आर एक्चुअली यूज इज अ फिक्स बाय द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर फिक्स करेगा उसके बाद कितने एक्चुअली उसके अंदर यूज होने चाहिए। नाउ न्यूमरिक टाइप, दिस डेटा टाइप इज यूज फॉर टू स्टोर न्यूमरल इन्फॉर्मेशन लाइक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, सैलरी फॉर एन एम्प्लॉय, क्वांटिटी ऑन हैंड और बैलेंस इन द बैंक अकाउंट ऑफ पर्सन। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द अल्फान्यूमेरिक टाइप द नंबर ऑफ बाइट्स एक्चुअली यूज इज फिक्स बाय द सॉफ्टवेयर। दिस इज नॉट द केस व्हेन यू स्टोर द वैल्यू फॉर अ नंबर, डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग नंबर्स विल रिक्वायर मोर और लेस बाइट्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप एट्रीब्यूट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द नंबर्स ऑफ बाइट्स दे यूज इन द वेदर दे आर साइंड और अनसाइंड। दीज टू फैक्टर्स डिटरमाइन द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दे कैन होल्ड। बेस ऑफर्स सेवरल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप एट्रीब्यूट्स बोथ साइंड एंड अनसाइंड दैट यूज डिफरेंट अमाउंट ऑफ बाइट्स। साइन एंड अनसाइन मीन्स वॉट, साइन मीन्स उसके अगर कोई साइन होगी, जैसे प्लस साइन और माइनस साइन, प्लस साइन मीन्स पॉजिटिव नंबर्स एंड माइनस साइन मीन्स नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स दोनों यूज हो सकते हैं उसके अंदर, और डिफरेंट अमाउंट ऑफ बाइट्स यूज होंगे, उसका भी टेबल है वो देखेंगे हम। देखिए ये उसके अंदर तो जो नेम है, डेटा टाइप है, नंबर ऑफ बिट्स और बाइट्स कितने यूज हो रहे हैं, साइन है कि नहीं है, और रेंज कितनी है वो भी लिखा आएगा उसके अंदर। सबसे पहला है बुलियन डेटा टाइप, जिसका डेटा टाइप यस और नो होगा, सिर्फ वन बिट की है, उसमें कोई साइन नहीं होगा, या तो यस है या तो नो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और उसके रेंज में जीरो और वन दोनों में से कोई एक ही होगा। जैसे चेकबॉक्स है तो उसके ऊपर मुझे टिक मार्क करना है, मेल और फीमेल का है, तो मेल टिक मार्क किया तो यस, नहीं किया तो नो, सिर्फ वन बिट की स्पेस हो गई, रेंज भी 0-1 है, तो वहां पे ऐसा डेटा टाइप है जहां पे सिर्फ सिंगल ऑप्शन ही आपके पास आएगा, कुछ एक ही, या तो यस करो या तो नो करो, ऐसे ऑप्शंस मुझे अगर सेट करने हैं तो वहां पे बुलियन डेटा टाइप यूज होगा। देन टाइनी इंटीजर, 1 बाइट जितनी स्पेस है, इसमें नो साइन भी उसमें भी नहीं है, 0 to 255 की रेंज है उसके अंदर। देन स्मॉल इंटीजर, 2 बाइट्स की स्पेस है उसके अंदर। देन यस साइन यूज होता है, माइनस एंड प्लस दोनों यूज होगा, यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर दोनों आ सकते हैं उसके अंदर। इंटीजर इट इज द अबाउट, जितने भी इंटीजर देखते हैं हम INT, इट मीन्स द होल नंबर, यानी पूरे नंबर होंगे उसके अंदर। 4 बाइट्स की स्पेस है, यस है साइन, उसमें भी माइनस एंड प्लस यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आएंगे, उसकी भी एक बहुत बड़ी रेंज होती है। बिग इंटीजर 8 बाइट जितनी स्पेस रखता है, उसकी भी बहुत बड़ी रेंज होती है, इसमें जितने चाहो उतने नंबर्स आप ऐड करना चाहो उतने नंबर्स ऐड कर सकते हो। देन न्यूमरिक नंबर्स, नंबर अगर आप यूज कर रहे हो कहीं पे भी डेटा टाइप में, हमने नंबर्स यूज करना ज्यादा देखा है, उसमें नो लिमिट,
उसमें दोनों आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर आएंगे, अनलिमिटेड रेंज है आप जितना चाहो। फिर डेसिमल है, डेसिमल में भी नो लिमिट, अनलिमिटेड है। और रियल नंबर्स, रियल नंबर्स मीन डेसिमल नंबर्स है, यानी पॉइंट के बाद अगर वैल्यू आ रही है तो भी उसके अंदर आप काउंट कर सकते हो। उसकी साइज 4 बाइट्स की है, यह साइन है उसके अंदर, तो रेंज भी उसके लिए आप देख सकते हो। तो इस तरह से पूरे नंबर्स में, जिसमें बुलियन होगा सबसे पहले, जिसमें यस नो दोनों में से कोई एक ऑप्शन, देन इंटीजर मीन्स होल नंबर, जिसमें टाइनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, इंटीजर एंड बिग इंटीजर आएंगे। नंबर और डेसिमल में कोई लिमिटेड नहीं, दोनों आएंगे उसके अंदर, साइन पॉजिटिव नेगेटिव नंबर। डेसिमल और रियल नंबर है उसमें जो है, और नंबर के अंदर यानी पॉइंट के बाद वैल्यू है तो भी आएगी उसके अंदर, बाकी इंटीजर में पॉइंट वैल्यू नहीं आएगी उसके अंदर। तो इस तरह से पूरा डेटा रेंज उसका दिया गया है। नेक्स्ट है कैलेंडर टाइप। अदर इम्पोर्टेंट डेटा टाइप इज द कैलेंडर। दे आर यूज टू स्टोर कैलेंडर इन्फॉर्मेशन लाइक ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड एंड अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। डेट अलाउ स्टोरिंग ईयर, मंथ एंड डे एज इट इज स्टोर इन द सिस्टम फॉर विच डेटा इज एंटर्ड। द सेम इज ट्रू फॉर द टाइम टाइप एट्रीब्यूट विच स्टोर्स द टाइम ऑफ द डे इन द आवर, मिनट एंड सेकंड। फाइनली सम प्रोसीजर्स माइट डिमांड रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ टाइम एंड डेट और एन इवेंट। Time step has been designed for the recording all information at once. In our example database, the field joining date हमें use करना है तो वहाँ पे date use होगा, birth date तो वहाँ पे birth date use होगा, must be assigned data type. तो table 9.7 जो है उसमें list दिया और description calendar data type का, तो वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले है date. तो डेट इट स्टोर्स मंथ, डे एंड ईयर इन्फॉर्मेशन। पहले मंथ आएगा, फिर डे, फिर ईयर आएगा। नॉर्मली आपको पता है कंप्यूटर के अंदर MMDDYY फॉर्मेट होता है, यानी पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर होता है। हाँ, प्रॉपर्टीज आप उसकी चेंज कर सकते हो बाद में, कंट्रोल पैनल सेटिंग, उसमें सेटिंग चेंज कर सकते हो। देन टाइम इट स्टोर्स इन द आवर, मिनट एंड सेकंड इन्फॉर्मेशन। और अगर दोनों यूज करना है कहीं पे, यानी कि कितना टाइम, कौन सी डेट है और कौन सा टाइप है, फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस के लिए फिर टाइम स्टेप यूज करना। अब इसमें डेट भी स्टोर होगी और क्या टाइम है वो भी स्टोर होगा। डेट एंड टाइम दोनों आप उसमें एक साथ में स्टोर कर सकते हो। तो ये डेट टाइम एंड टाइम स्टेप है, कैलेंडर टाइप है। उसके बाद लास्ट हमारा है बाइनरी टाइप। ना बाइनरी टाइप कहाँ पे यूज होता है वो समझिए। द बाइनरी टाइप एट्रीब्यूट अलाउ अस टू स्टोर एनी इन्फॉर्मेशन डेट कम एज अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीरोस एंड वन्स। डिजिटाइज्ड इमेज एंड साउंड यूज दिस फॉर्मेट। अब नॉर्मली हमने ये तो देख लिया कि भाई अल्फाबेट्स मुझे उसके अंदर एंटर करने तो कर सकता हूँ, नंबर एंटर करने तो कर सकता हूँ, डेट और टाइम एंटर करना तो वो भी कर सकता हूँ, वो सबके लिए फॉर्मेट है, वो तक ठीक है। अब समझो कि मुझे जो एम्प्लॉय है या जो यू कस्टमर है या फिर स्टूडेंट है उसका इमेज, उसका फोटो भी मुझे स्टोर करना है। जैसे आधार कार्ड का डेटाबेस फॉर एग्जाम्पल बना रहे हो, आधार कार्ड के अंदर तो वो सब कुछ आएगा, आपके फोटो आएगा, आपका आपके सिग्नेचर स्टंप स्ट्रिंग आएगा, सब बहुत कुछ आएगा। अब वहां पे जो टेक्स्ट और ये सब नंबर्स ये सब तो आने वाले नहीं है, वहां पे सीधा बाइनरी लेवल पे वर्क होगा। उसके अंदर डिजिटाइज इमेज और साउंड भी आते हैं उसके अंदर, जैसे आप MP3 सॉन्ग सुनते हो या वीडियोज देखते हो इंटरनेट के ऊपर, तो वो भी कहीं पर डेटाबेस में स्टोर करके रखा। तो उसके लिए ये बाइनरी डेटा टाइप यूज होता है। दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द कंप्यूटर बिकॉज द इनिशियल जीरोस एंड वन्स identify the kinds of the file represent, a JPG image or an MP3 file, etc. However, this will make no attempt to identify the kind of file you have stored. This is say that it won't care if the file is in MP3 or TIFF and it will happily store it. This is an effect means that you could use a base database to store. For example, photos of the products or employees, or sound snippets or voice message. इसमें table भी दिया है, और जैसे MP3 सॉन्ग्स ये सब भी आपको, आप बेस के अंदर किसी भी तरह का इमेज रखना है, साउंड रखना है, कुछ भी स्टोर करके रख सकते हो। उसके लिए आपको ये डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा। क्या है देखते हैं इसमें टेबल है, उसमें देखेंगे आपका आइडिया आ जाएगा। इसमें सबसे पहले है इमेज, लॉन्ग वेयर बाइनरी यूज होगा, उसके अंदर 2 GB मैक्सिमम लेंथ है। डिस्क्रिप्शन होगा उसका, स्टोर एनी एरे और बाइट्स, इसमें इमेज साउंड सब कुछ आ जाएगा। फिर बाइनरी है तो वेरियस बाइनरी, उसकी भी सेम 2 GB साइज है, स्टोर एनी एरे ऑफ बाइट्स उसमें भी है। देन बाइनरी फिक्स है तो उसमें भी बाइनरी नंबर आएंगे, यानी बाइनरी फिक्स यूज करोगे तो फिक्स बाइनरी आप उसमें इमेज तो इमेज ही आएगी, उसके अंदर साउंड तो साउंड ही आएगा। वेरियस बाइनरी यूज करोगे तो जो वेरियस बाइनरी उसमें, और इमेज यूज करोगे तो उसमें बहुत कुछ भी आप, इमेज है, साउंड है, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। लॉन्ग वेयर बाइनरी यूज करो, उसमें सब कुछ यूज हो सकता है। तो इस तरह से बाइनरी डेटा टाइप होता है।
तो ये सब डेटा टाइप्स हमने देखे हैं जो बेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके अंदर। तो जितने भी अल्फा फोर थ्री टाइप्स, अल्फा न्यूमेरिक टाइप, कैलेंडर टाइप एंड बाइनरी टाइप, इतने डेटा टाइप्स हमने देखे आज। तो नेक्स्ट लेक्चर से फिर से प्रैक्टिकल पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरिओम।